शिवपुरी में विलुप्त प्राय होते मगरमच्छ के जीवन पर मंडराया संकट, खतरे में रहवासी। शिवपुरी में नगर पालिका की लापरवाही की वजह से विलुप्त प्राय होते मगरमच्छों के जीवन पर मंडराया संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले भर में जलीय इकाइयों के संरक्षण का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में शिवपुरी शहर में नालों की सफाई काम में लगे जिम्मेदारों ने बिना कुछ सोचे समझे ही नाले के पानी को लेकर खाली करने के लिए जाधव सागर की पार्क को तोड़ दिया है। ऐसे में नाले में रहने वाले विलुप्त होते सैकड़ों मगरमच्छों के जीवन पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इससे उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है और छोटी छोटी जलीय जीव तालाब की पार तोड़ने की वजह से पानी के साथ बहकर चले गए। ऐसे में अब ये मगरमच्छ अपने भोजन की तलाश में शहर की सड़कों और लोगों के घरों में घुसते नजर आएंगे। इससे न सिर्फ इन मगरमच्छों के जीवन बल्कि आमजन की जान के लिए भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या नाम है आपका? रामबाबू बाथम। अच्छा रामबाबू जी, अभी आप बता रहे हैं आप पूरे मगरमच्छ ऊपर आ जा रहे हैं और नाले का पानी भी कम हो गया, तो पानी कम होने का कारण क्या है? पानी का कम कारण होने का ठेकेदार ने, खुदाई वालों ने नाले का पानी निकाल दिया है। नाले का पानी पार तोड़ के? नाले का पानी क्यों निकाला उन्हें? सफाई तो तालाब की करनी थी। आपका पता उन्हें क्या क्यों निकाला है? अच्छा इससे सफाई नाले की भी करनी है। इससे क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत तो मगरों को दिक्कत आ रही है। अच्छा किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अब रात में अगर शहर में निकलेंगे तो शहर में जाएंगे भी तो यहाँ से पानी नहीं मिलेगा। अरे कितने मगर होंगे इसमें अभी? मगरों की गिनती नहीं है साहब। 100 के लगभग? नहीं ज्यादा है, 1000 से तो ऊपर ही है बड़े बड़े। अच्छा इस पूरे नाले में? 1000 नाले में यहाँ ऊपर तक आ जाती है? ऊपर आ जाते मेरे तो कीचड़ मच रही है। जी जी जी, ये पूरे जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं बैठे होंगे उसी की जगह होंगे? पूरी उन्हीं की है। अभी अभी हाल ही सरक ये सब रे जी, गांव धूप निकली ना, धूप की वजह से कीचड़ में जाम सरक गए ये जलकुंभी में। अच्छा तेज हो जाता है तो अंदर दुख जाते हैं। अरे तालाब की सफाई कितनी चल रही है? और तालाब की नाम मात्र को चल रही है केवल पार तो कोई मशीन भी नहीं दिख रही गाँव में। आप जो जाओगे ना घूम के देख लेना। जी धन्यवाद।